अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है। पूरे देश के विभिन्न प्रसिद्ध मंदिर, गुरुद्वारा और सरना सभी पवित्र स्थानों से मिट्टी एवं नदियों के जल अयोध्या भेजे जाएंगे। इधर जमशेदपुर में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जमशेदपुर के दो मोहानी नदी से पवित्र जल लेकर अयोध्या भेजा जा रहा है, जहां पर पूरे विधि विधान के साथ पंडित मंत्र उच्चारण कर पूजा संपन्न कराएं और कलश में जल लेकर विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए निकल गए। 2 दिन बाद कलश अयोध्या में श्री राम मंदिर स्थल पहुंच जाएगा। न्यूजीलैंड के लिए जमशेदपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, नदियों में संगम की एक अलग महत्व है, इसलिए आज हम लोग सोनारी नदी दुमानी तट पे जो संगम स्थल है खड़काई और स्वर्णई हगा का, यहाँ हम लोग जल भराई करने आए हैं। ये जल जो है और यहाँ की पवित्र मिट्टी, ये हम लोग अयोध्या भेजेंगे, जो अयोध्या में भव्य श्री राम जी का जो मंदिर निर्माण का शिलान्यास होना है 5 तारीख को, उस पूजा में इसको अर्पण किया जाएगा। और ये संतों का आह्वान है कि संपूर्ण भारतवर्ष से जितनी भी नदियाँ, पवित्र नदियाँ हैं, संगम स्थल हैं और जितने भी पूजा स्थल हैं, सरना है, गुरुद्वारे हैं, मंदिर है, मठ है, सबकी मिट्टी और पवित्र नदियों का जल संग्रह करके हम लोग इसे 30 तारीख तक अयोध्या पहुंचा देंगे, ताकि 5 तारीख को होने वाले वहाँ के भव्य कार्यक्रम में, शिला पूजन, भूमि पूजन में ये जल से माँ भारती का अलंकार किया जाएगा, इसका पूजन किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद जमशेदपुर महानगर केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जमशेदपुर के पवित्र दुमोहानी सोनारी नगर में जो स्थित है, वहाँ पर हम लोग जल भरने आए हुए हैं। और यह जो जल है अयोध्या में जो 5 तारीख को जो भूमि पूजन है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, यह जल वहाँ जाएगा। पूरे भारतवर्ष से जितने भी पवित्र स्थल है, मंदिर है, आपका गुरुद्वारा है, पवित्र नदियां हैं, सरना स्थल हैं झारखंड में, जितने भी वहां से पवित्र स्थानों से मिट्टी जल अयोध्या जाएगा, इसी से भूमि पूजन होगा और धरती माँ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे कि वहां भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। न्यूजीलैंड चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है